नमस्ते, मेरा नाम इंद्रजीत कौर एंड आई एम सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बढ़िया हैं और ग्राफोलॉजी को एंजॉय कर रहे हैं और धीरे धीरे आप ये टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करके खुद की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो आज हमारा एक नदर नया मॉड्यूल हम स्टार्ट कर रहे हैं, मार्जिन्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मार्जिन्स को डीप अंडरस्टैंड करने से पहले हम जानते हैं मार्जिन्स क्या हैं। मार्जिन्स की अगर बात करें, जब हम स्कूल में खेलते थे तो हम एक बाउंड्री सेट करते थे कई बार खेलने पर, कि यहाँ बाउंड्रीज मीन्स एक हद निर्धारित करते थे। अगर आप ये बाउंड्री को क्रॉस किया तो आप आउट हो, अगर आप इस बाउंड्री के अंदर हो तो आप आउट नहीं हो, आप इस बाउंड्री के ऊपर हो तो आपका फाउल है। और अगर बात करें तो इस बाउंड्री या इस हद को हम लक्ष्मण रेखा भी कहते हैं। लक्ष्मण रेखा, रामायण में लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी सीता मैया के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। बट अब वो लक्ष्मण रेखा या वो बाउंड्री या वो हद का महत्व है, देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग कि उन्होंने अगर क्रॉस कर ली तो वो गलत बात होगी। ग्राफोलॉजी हमको ये नहीं बताती कि नथिंग राइट एंड रॉन्ग, जस्ट हम ये हमें हेल्प करती है कि अगर दूसरा व्यक्ति इस तरह बिहेव करता है तो हमको अंडरस्टैंड करना है वो ऐसा क्यों करता है। अब वो लक्ष्मण रेखा को अगर क्रॉस किया सीता मैया ने तो अधर्म पर धर्म की विजय हुई। उसी तरह अगर वो इस लक्ष्मण रेखा को नहीं क्रॉस करती तो उनको जितनी यातनाएं सहनी पड़ी हैं तो वो ना सहते। सो देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, क्रॉस करने के पीछे भी कोई रीजन था और नहीं के पीछे भी कोई रीजन। सो यही चीज हम ग्राफोलॉजी में मार्जिन्स में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम समझते हैं, जब भी लिखने वाला व्यक्ति पेन उठाता है और पेपर पर लिखता है तो उस टाइम वो व्यक्ति जब लिखता है तो वो कुछ मार्जिन ऊपर से छोड़ता है, कुछ नीचे से छोड़ता है, कुछ लेफ्ट से, कुछ राइट से, और कोई नहीं छोड़ते। सो देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। उससे ये पता लगता है ये व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के साथ या दूसरे लोगों के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करता है। नॉट ओनली ये पता लगता है कि वो व्यक्ति उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, बल्कि ये भी पता लगता है कि मान लो हमने अपने घर में कोई रूल रेगुलेशन घर में बना रखे हैं, सोसाइटी में बने हैं या कंट्री में बने हैं या स्कूल कॉलेजेस जहां पर भी आप जाते हैं, वो लिखने वाला व्यक्ति वहां पर वो रूल रेगुलेशन के प्रति उसका क्या रवैया है, वो उनको किस तरह से फॉलो करता है, तो ये सब हम मार्जिन्स में अंडरस्टैंड करते हैं। सो अब हम जानेंगे मार्जिन्स कितने टाइप के होते हैं ग्राफोलॉजी में। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्जिन्स इन ग्राफोलॉजी। लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लेफ्ट मार्जिन को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।